हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने एक बदमाश को एटीएम में लूट की कोशिश करते दबोच लिया। बदमाश को पकड़ने में इसलिए कामयाबी मिली क्योंकि वो काफी कोशिश के बाद भी एटीएम को खोल नहीं पाया और पुलिस के हाथों पकड़ा गया। इससे पहले उसने एटीएम लूटने की काफी कोशिश की। वो पहले शटर तोड़कर अंदर घुसा और बाद में मशीन के नीचे वाले हिस्से को खोल दिया, लेकिन पैसे उसे वहां से भी नहीं मिले। इसके बाद वो मशीन को पीछे से खोलने की कोशिश करने लगा, इसमें भी नाकाम हुआ तो उसने ऊपर के हिस्से को ही बाहर निकाल दिया। करीब आधा घंटा गुजर गया लेकिन एटीएम में रखे पैसे उसके हाथ नहीं लगे। वक्त निकल रहा था और पकड़े जाने का भी डर था, इसलिए उसने मशीन को तोड़ना शुरू कर दिया। इस बार वो कामयाब होता दिख रहा था, लेकिन तभी पुलिस पहुंच गई और वो बाहर निकल गया। इसके बाद दो पुलिस वाले अंदर आए और मशीन की हालत देखी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गई और जानकारी दी कि एटीएम में करीब 7 लाख रुपए थे जिन्हें लूटने से पहले ही बदमाश पकड़ा गया। हिमाचल के ऊना में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में कीड़ों वाला खाना परोसने से हंगामा हो गया, जिसकी शिकायत लोगों ने कार्यक्रम में मौजूद खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री से की, जिन्होंने खाने में कीड़े मिलने की शिकायत को मानने से ही इनकार कर दिया। हालांकि खाने का वीडियो देखने के बाद उन्होंने जांच का भरोसा दिया। अभी खाना खाया नहीं, खिलाया किसी को नहीं, कीड़े कहाँ से निकल गए? खाना तो शुरू से चला हुआ है। चलो देख लेंगे। खाने में कीड़े मिलने से इलाके के लोग भी खफा दिखे और सरकार से अच्छा खाना परोसने की मांग की। वो खाना तो ठीक था पर उसमें ना एक कीड़ा निकला। मैं चाहता हूँ कि इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, कम से कम ढंग का खाना खिलाया जाए। इलाके के लोगों ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार की खराब क्वालिटी की शिकायत भी की। नए साल के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म बनने की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1000 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली ये फिल्म महाभारत की कहानी पर बनेगी, जिसके बाद इस फिल्म के किरदार और कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया कि इस फिल्म में आमिर खान कृष्ण के किरदार में नजर आ सकते हैं, जो पहले ही महाभारत पर फिल्म करने की इच्छा जता चुके हैं। My dream is to make महाभारत one day, which I have not yet achieved and that's too scary a dream, that's why. मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, अजय देवगन, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण समेत करीब 100 बड़े नामों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिल्म के संभावित डायरेक्टर SS राजामौली ने इसे कठिन चुनौती बताया। महाभारत पर बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसे पूरा होने में 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। अलीगढ़ से 47 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए। यूपी के अलीगढ़ में सट्टेबाजी कर रहे 47 लोगों को पुलिस ने 70,000 रुपए और सट्टे की पर्चियों के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के झुंझुनू में बदमाश गैस कटर की मदद से एटीएम में रखे 16 से 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इंदौर में खाने के विवाद को लेकर एक SAF जवान अपने ही साथी को गोली मारकर फरार हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के संभल में आवारा कुत्ते के काटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। यूपी की बस्ती में NH-28 की सब्जी मंडी में आग लगने से दर्जनों दुकानें और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बदमाश ने एक महिला के चेहरे पर तेजाब से हमला कर दिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलों के बीच हुई CBI की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने BJP पर CBI के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए इसे गठबंधन को रोकने की कोशिश बता दिया। और अवैध खनन के इस मामले में CBI की पूछताछ के लिए खुद को तैयार होने का दावा कर दिया। हमारे पास क्या है, हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है, उनके पास CBI है। कांग्रेस भी अखिलेश यादव के समर्थन में खड़ी हो गई और BJP पर लगाए गए आरोपों को सही माना। अखिलेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा है एक तरह से कि गठबंधन के कारण नर्वस हो करके BJP ये काम कर रही है। हालांकि प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए CBI के स्वतंत्र होने का दावा किया। श्री अखिलेश यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा नीचे कर ले कि देश के अंदर जो भी जांच एजेंसियां हैं वह स्वतंत्र तरीके से काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहती है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बैडमिंटन खेलती नजर आई। इसके साथ उन्होंने लिखा कि हम खेलों को पसंद करते हैं। ट्विटर पर शेयर किया गया ये वीडियो 32 सेकंड का है, जो काफी वायरल भी हो रहा है। ममता बनर्जी प्रशासनिक बैठक के लिए पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले गई थी।
अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच उन्होंने खेल के लिए समय निकाला और रैकेट थाम लिया। 64 साल की उम्र में भी उनकी गजब की फुर्ती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जाता है कि उनकी खेल में काफी दिलचस्पी है। इससे पहले भी वो कई खेल आयोजनों में हिस्सा लेकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा चुकी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2019 लोकसभा चुनाव में SC/ST समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने महासंगम विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। इस रैली में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से 5000 किलो खिचड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसे शेफ विष्णु मनोहर ने बनाया। दावा किया गया कि खिचड़ी बनाने के लिए दिल्ली में रहने वाले SC/ST समुदाय के 3 लाख घरों से सामान जुटाया गया। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से समरसता खिचड़ी का आयोजन किया गया है। एक 10 फीट बड़ी कढ़ाई में 5000 किलो खिचड़ी बनाने का आयोजन किया गया है। सभी घरों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी दाल और दूसरी सामग्री ली गई, जिसके बाद रामलीला मैदान में कढ़ाई में चावल, दाल, सब्जियां समेत दूसरी सामग्री को डालकर खिचड़ी तैयार की गई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी वहां पहुंचे और पक रही खिचड़ी में सब्जियां और चावल डालकर उसे एक बड़े चमचे से मिलाया। पार्टियां हैं जो समाज को बांट करके शासन करने की सोचती हैं, भ्रम डाल के, झूठ बोल के, उन लोगों का मन अच्छा हो इसलिए हमने समरसता खिचड़ी का SC मोर्चा ने आयोजन किया है। शेफ विष्णु मनोहर ने खिचड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में जानकारी दी। 1000 किलो दाल और चावल का इस्तेमाल किया और 200 किलो घी है, 100 किलो तेल है, 450-500 किलो सब्जियां इसमें डल रही है और अलग अलग मसाले 200-250 किलो है, 70 किलो नमक है, 5000 लीटर जो है पानी है, तो ये सारा इसमें इस्तेमाल किया। इसके बाद सांसद मनोज तिवारी ने खुद वहां मौजूद लोगों को खिचड़ी परोसी। दावा किया गया कि 5000 किलो खिचड़ी बनाकर शेफ विष्णु मनोहर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इससे पहले भी शेफ विष्णु मनोहर 3000 किलो खिचड़ी बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन इस बार खिचड़ी में सियासी तड़का भी लगा और मकसद 2019 लोकसभा चुनाव के लिए SC/ST समुदाय को साधना रहा। देख सकते हैं जिस समाज के लोगों से चावल और दाल लेकर इस खिचड़ी को बनाया गया है, उस समाज से जुड़े तमाम लोग खिचड़ी का स्वाद ले रहे हैं। इस बीच बीजेपी के कई बड़े नेता भी खिचड़ी खाने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से लेकर विजय गोयल भी खिचड़ी खाने के लिए वहां पहुंचे। इस बीच हर्षवर्धन ने साफ कर दिया कि 5000 किलो खिचड़ी बनाने का मकसद राजनीतिक नहीं है, ये किसी फायदे नुकसान के लिए नहीं है, ये भारत की महान संस्कृति है और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन है। इस बीच बीजेपी नेता विजय गोयल ने दूसरी पार्टियों पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसका प्यार प्रेम सद्भाव से संबंध है, इसका संबंध है कि सब वर्गों को जोड़ के चलना है, इसका संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है उसको फैलाना है। जबकि रामलीला मैदान में लोगों की काफी भीड़ मौजूद रही, जिन्हें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने खिचड़ी परोसी और खुद भी खिचड़ी का आनंद लिया। राफेल डील में घोटाले के आरोपों पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कांग्रेस के दावों को हवा हवाई करार दिया और कांग्रेस के पास राफेल डील से जुड़े कोई पुख्ता सबूत नहीं होने का दावा कर दिया। पूरा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों चुकादा दिया, इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी को सदन में सारे सबूत पेश करने की चुनौती दे दी। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी नैतिकता है और हिम्मत है तो सबूत के साथ सदन के अंदर रखें। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए HAL के लोन पर भी सवाल खड़े कर दिए। 1000 करोड़ रुपया कल ही क्यों HAL ने लोन लिया है, अगर उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, और रक्षा मंत्री ने क्यों उसकी शिकायत की, रक्षा मंत्री ही डिमीन कर रही हैं HAL को। हालांकि लोन को लेकर उठे विवाद के बाद HAL की तरफ से भी एक ट्वीट कर मामले को शांत करने की कोशिश की गई। अपने ट्वीट में HAL ने दावा किया कि 83 हल्के लड़ाकू विमान और 15 लड़ाकू विमान का ऑर्डर अंतिम चरण में है, जिससे संस्थान की वित्तीय स्थितियों के भी जल्द बेहतर होने की उम्मीद है। संस्थान में मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए 962 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। इंदौर में गुरु गोविंद सिंह महाराज के 352वें प्रकाश पर्व के मौके पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी नगर कीर्तन में शामिल हुए। उन्होंने पालकी और पंच प्यारे पर मत्था टेका और पालकी साहिब के आगे आगे नंगे पैर झाड़ू लगाए। नगर कीर्तन टॉवर चौराहे से तोपखाना गुरुद्वारे तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए।
पश्चिम बंगाल सरकार पर अक्सर तीखे हमले करने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार बताया और कहा कि ममता बनर्जी में देश की पहली बंगाली पीएम बनने की अच्छी संभावनाएं हैं। তারপরে হবে তো উনার চান্স ফার্স্ট আছে আমরা যদি বাবুকে একটু যেন ফসকেছি উনার পার্টি হতে দাইনি প্রধানমন্ত্রী সেই জন্য লিস্টে উনার নামই এক নম্বরে আছে। दिलीप घोष के बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुटकी ली। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के जो चीफ हैं, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने दिलीप घोष के बयान पर सफाई देते हुए दावा किया कि देश के अगले पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। उनका कहने का ध्येय एकदम ये नहीं था कि इस चुनाव में वो कोई पीएम की बात कर रहे हैं, वो तो टीएमसी वालों पर उन्होंने कटाक्ष किया था। केदारनाथ में 40 घंटे से ज्यादा समय से बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में साल की पहली बर्फबारी बीते 40 घंटे से जारी है, जिसकी वजह से आसपास 4 फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। चेन्नई में आयोजित 5वें तमिलनाडु इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल में भारी संख्या में लोग जुटे और हॉट एयर बलून की सवारी की। यूपी के सहारनपुर में चोरी की वारदात में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ की गोमती नगर में लोहिया पार्क के पास अचानक आग लगने से बस में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने समय रहते पहुंचकर बचा लिया। एमपी के मंडला जिले में वन विभाग की टीम ने चीतल की शिकार के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एमपी के बड़वानी जिले में पुलिस ने नेशनल हाईवे 3 पर 1200 से ज्यादा शराब की पेटियों को ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। मेघालय में अवैध कोयला खदान में फंसे 13 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यूपी के कानपुर में पुलिस ने पैसे लेकर दूसरे के नाम पर परीक्षा देने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रोमो को तुरंत रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है और यहां पर पूर्व पीएम की इमेज को खराब करने के लिए दिखाए जा रहे प्रोमो पर तुरंत रोक लगाई जाए। इससे पूर्व पीएम के साथ साथ देश की छवि भी खराब होगी। याचिका में यूट्यूब, गूगल, केंद्र सरकार और सीबीएफसी को पार्टी बनाया गया है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। दुनिया भर में मशहूर पश्मीना शॉल की नकल रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। श्रीनगर में कारोबारी नकली पश्मीना से परेशान है, इसलिए असली पश्मीना शॉल बनाने वाले कारीगर इन पर खास तरह के टैग लगा रहे हैं। यानी जब तक शॉल पर यह टैग नहीं होगा, इसे असली पश्मीना नहीं माना जाएगा। लेकिन इस टैग की जानकारी अब दुनिया भर में पश्मीना शॉल खरीदने वाले लोगों तक पहुंचाना एक चुनौती है। अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाती नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो कस्टमर को पूरी तरह से पता चल जाता कि असली शॉल असली पश्मीना शॉल है क्या। पश्मीना शॉल बनाने वाले इन कारीगरों ने दावा किया कि मशीनों की मदद से बनाई जाने वाली शॉल की वजह से उनका रोजगार काफी कम हो गया। जो स्पिनिंग करती है लेडीज, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो पहले क्या करती थी, इसी से अपने बच्चे को पढ़ाती थी, अपना घर चलाती थी, लेकिन आज उसके पास रोजगार ही छिन गया। पश्मीना शॉल हाथों से बनाई जाती है, जबकि बड़ी बड़ी कंपनियां मशीनों से शॉल बनाती जो कम कीमत पर बेची जाती, लेकिन वो असली पश्मीना नहीं होती। इसलिए अब सरकार ने असली पश्मीना की पहचान जीआई टैग से करने का फैसला लिया है। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग उन चीजों पर लगाया जाता है जिसकी शुरुआत किसी खास जगह पर ही हुई हो। यानी पश्मीना पर श्रीनगर में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में ही पश्मीना बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। केवल ये टैग मिलने भर से ही जम्मू कश्मीर के पश्मीना बनाने वाले कारीगरों का काम फिर गुलजार होने की उम्मीद जगी। जीआई टैग के लिए राज्य सरकार के आवेदन के बाद केंद्र सरकार उससे जुड़ी जांच करती है और जांच में दावा सही पाए जाने के बाद जीआई टैग जारी किया जाता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि नकली पश्मीना बनाने वाले लोग भी अगर इस टैग को शॉल पर चिपकाने लगेंगे तो उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में हाथियों का आतंक जारी है। देवनगर में हाथी ने महिला को कुचल कर मार दिया, जबकि 2 दिन पहले भी हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली। वहीं हाथियों के हमले से एक लड़का घायल भी बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद इस तरह की घटना को रोकने के लिए वन विभाग या सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जन शक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाने पर एतराज जताया।
आरजेडी ने तंज किया कि चिराग पासवान एनडीए विरोधी बयान भी देते हैं और साथ भी रहना चाहते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राम और रोटी दोनों को जरूरी बताया। और राम मंदिर की जगह 2019 का लोकसभा चुनाव विकास और युवाओं के मुद्दे पर लड़ने की सलाह दी। मैं चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हो उस पे भी प्राथमिकता विकास को दी जाए, नौजवानों की समस्याओं को दी जाए, किसानों की समस्याओं को दी जाए। आरजेडी ने तंज किया कि चिराग पासवान एनडीए विरोधी बयान भी देते हैं और साथ भी रहना चाहते हैं। तय करिए, राम मंदिर के साथ हैं और वो शोर मचा रहे हैं वहाँ के मंत्रिमंडल के साथी और आप चुप्पी साध के बैठे रहते हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राम और रोटी दोनों को जरूरी बताया। जहाँ तक सवाल है, जो भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, देश के करोड़ों लोगों की के जो है वो भावनाओं से को टच करने वाले मुद्दे हैं, उसका है और मुद्दों से कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। केरल में शनिवार सुबह बीजेपी के राज्यसभा सांसद वी मुरलीधरन के घर पर बम से हमला बोला गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हमले को किसी को भी इससे नुकसान नहीं पहुंचा है। बीजेपी ने सांसद वी मुरलीधरन के घर पर बम से हमला करने के पीछे सीपीएम के कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे हमलावरों को केरल सरकार और पुलिस का समर्थन मिला हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर केरल में बीजेपी सांसद पर हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि मैं राज्यसभा सांसद मुरलीधरन के घर पर हमले की निंदा करता हूं। इन हथकंडों से बीजेपी डरने वाली नहीं है।